Good morning, beautiful people out there. I hope you all are having a great day. So, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि लॉन्ग वीडियो अपलोड करूँगी, बट मुझे वैसे टाइम नहीं मिल पा रहा था. सो आई थॉट कि एक वीडियो ऐसे फिल्म करते हैं एंड देन आई वुड लव टू शेयर इट विथ यू गाइज एज वेल. सो आई डिड वन. डू वॉच इट एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि और क्या क्या टॉपिक्स में मुझे वीडियो बनाना चाहिए. सो फॉर क्लीनिंग माई फेस आई यूज़ दिस फेस वॉश फ्रॉम हिमायरा एंड मैं जब भी शेव करती हूँ मैं एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ. सो आई यूज़ दिस एलोवेरा जेल फ्रॉम द ब्रांड कॉल मदर्स पर्श. इसका टेक्स्चर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है. सो इट इज़ अ मस्ट ट्राई प्रोडक्ट फ्रॉम मदर्स पर्श. दूसरा प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छा होता है ये ब्रांड का, बट ये तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. सो येस, यू गाइज कैन डेफिनेटली ट्राई दिस एलोवेरा जेल. सो आफ्टर आई एम डन शेविंग आई क्लीन अप माई फेस विद अ वेट टिश्यू ताकि जो सब भी डर्ट है वो ईजीली क्लीन हो जाता है. एंड देन आई यूज़ फेस मास्क. तो ये वाला मैं यूज़ करी हूँ कि मायरा बोल के एक ब्रांड है, वो उधर से मैं बहुत सारा ऐसे फेस पैक जो होता है वो मैं ख़रीदी थी. ये वाला टर्मरिक प्लस ऑरेंज का फेस पैक है. ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है टैन रिमूवल के लिए भी. एंड मैं सिर्फ वाटर तो यूज़ करती नहीं हूँ, मैं फेस पैक बनाने के लिए डाबर का रोज़ वाटर यूज़ कर लेती हूँ. तो क्या होता है ना, मेरा स्किन को हाइड्रेट रखने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है. सो येस, आई एम कम्प्लीटली लविंग दिस ब्रांड. आप लोग भी ज़रूर से एक बार ट्राई कर सकते हो. इफ़ यू वॉन्ट आई विल शेयर देयर पेज, इंस्टाग्राम पेज, आप लोग ज़रूर से एक बार चेक कर लेना. जब हम लोग इतना केयर कर रहे हैं हेयर का, स्किन का, हम लोग को और एक चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग को इस समर में अपने बॉडी को काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेट रखना चाहिए. इसलिए टाइम टू टाइम पानी पीते रहो. सो द नेक्स्ट थिंग इज़ आई यूज़ दिस शैम्पू फ्रॉम टेरेकेशिया. इसका ब्रांड का जो भी शैम्पूज़ है मुझे बहुत पसंद है. एंड फॉर हेयर मास्क आई यूज़ दिस प्लम्स हेयर मास्क फ्रॉम द कोकोनट रेंज. एंड दिस इज़ माई फेवरेट बॉडी वॉश फ्रॉम नायका. दिस इज़ अ वंडरलस्ट वन. आई एम इन कम्प्लीट लव विथ दिस प्रोडक्ट. इसका स्मेल जस्ट अमेजिंग होता है. एंड फॉर बॉडी स्क्रब और एक्सफोलिएट आई यूज़ दिस फ्रॉम द बेलावेटा. इसका भी ये बॉटल मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है. एंड द थिंग इज़ यू गाइज कैन ऑल्सो ट्राई दिस आउट. एंड फॉर बॉडी लोशन, मुझे समर्स में भी बॉडी लोशन यूज़ करना पड़ता है क्योंकि माई स्किन इज़ एक्सेसिव ड्राई. सो आई यूज़ दिस फ्रॉम प्लम वंस अगेन. ये भी प्लम का है बॉडी मिस्ट, ये वैनिला का है. इसका स्मेल मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, काफ़ी रिफ्रेशिंग फील करवाता है. एंड आई यूज़ दिस अंडर आर्म रोल ऑन फ्रॉम प्लिक्स. एंड आई यूज़ दिस विटामिन सी सीरम फ्रॉम द ब्रांड कॉल डर्मा टच. एंड दिस इज़ माई फेवरेट मॉइस्चराइजर फ्रॉम निविया. एंड माई फेवरेट सनस्क्रीन फ्रॉम डॉरन की. दिस इज़ द विटामिन सी सनस्क्रीन एंड आई एम लविंग दिस. द नेक्स्ट फॉर लिप बम आई यूज़ दिस वैसलिन. दिस इज़ अ बिट एक्सपेंसिव, बट येस, दिस इज़ अ गुड वन. इट कीप्स माई लिप्स काफ़ी मॉइस्चराइज. एंड द थिंग इज़, मैं थोड़ा सा फीट के ऊपर भी ध्यान दे देती हूँ. सो इसका डिटेल्ड वीडियो तो मैं डाली नहीं, पर थोड़ा सा क्लिप मैं आप लोग के साथ शेयर कर दी हूँ. नॉर्मली ऐसे वॉर्म वाटर में मैं अपना फेवरेट बॉडी वॉश या शैम्पू डाल के उसमें अच्छे से अपना फीट को क्लीन कर लेती हूँ. एंड देन आई यूज़ अ फीट क्रीम और फूट क्रीम, वॉट एवर यू गाइज से, फ्रॉम द ब्रांड कॉल द लव को. यू गाइज कैन ट्रस्ट दिस ब्रांड एंड यूज़ दिस प्रोडक्ट. इसका तो मुझे प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन लगता है. एंड देन आई अप्लाइड दिस नेल पॉलिश फ्रॉम नायका. इट वॉज अ सेल्फ पैम्पर्ड डे. सो या आई वॉज जस्ट लविंग दिस डे. लाइक मुझे
मैं चाहती ही नहीं थी कि ये दिन ख़त्म हो, बट यस ख़त्म होना ही था एट द पॉइंट। For hair serum to detangle my hair, I use a serum from L'Oreal Paris 5-in-1। तो ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करती हूँ एंड ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है, सो वाई नॉट। एंड आई एम यूजिंग दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ, सो या आई वुड लाइक टू रिकमेंड इट टू यू गाइज। बट अगर आप लोग अपने हिसाब से कुछ यूज़ कर रहे हो दैन गो फॉर इट, इट्स नॉट लाइक आई एम फोर्सिंग समवन, बट येस आई लव इट, सो I would like to just recommend it to you as well। And to comb my hair, I use wooden comb and it's like quite very good for our scalp as well। And मैं हमेशा ऐसे लेंथ से comb करती हूँ, कभी भी ऐसे रूट से comb नहीं करती हूँ जब भी मैं नहा के आती हूँ। ऐसे तो normally मैं नहाने के बाद तुरंत तो कभी भी नहीं कोम करती हूँ, बट थोड़ा सा ड्राई हो जाने के बाद आई डू दैट। सो इट इज़ लाइक आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू गाइस एज वेल कि आप लोग भी वैसे ही करना। एंड ऐसे नॉर्मली मैं संडेज़ वगैरह घर में रहना ही प्रेफर करती हूँ, बट कभी कभार कोई इनविटेशन भी तो आ ही जाता है। तो हाँ, मेरा आज एक इनविटेशन था तो उसी के लिए मैं रेडी हो रही थी। तो ये मैंने नॉर्मली टाइम लैप्स में रख के ही कर दी थी, क्योंकि मतलब उतना धीरे धीरे लाइक मुझे रेडी होने भी थोड़ा सा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था, लाइक मुझे अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था। सो आई थॉट कि चलो ऐसे टाइम लैप्स में रख के रिकॉर्ड भी हो जाएगा एंड आई कैन गेट रेडी एज वेल। सो मैं बहुत ही बेसिक सा मेकअप कर रही थी, लाइक टू बी ऑनेस्ट लाइक इसको मेकअप भी नहीं बोलेंगे, इट वाज जस्ट अ बेसिक थिंग बिकॉज इधर इतना गर्मी है ना, कुछ अच्छा नहीं लगता है। इट इज़ जस्ट अ लाइक बेसिक थिंग जिसके बिना हम लोग निकल नहीं सकते हैं, दैट्स इट। सो आई वाज गेटिंग रेडी फॉर अटेंडिंग द बर्थडे पार्टी ऑफ वन ऑफ माई स्टूडेंट। सो एंड द अदर थिंग, द काजल विच आई एम यूजिंग राइट नाउ इज़ फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड जूसी केमिस्ट्री। तो मेरे पास ये दो कलर में है, एक वाइट और एक ब्लैक, सो इट्स प्रिटी गुड एंड दैट्स इट। आप लोग देखो एंड एंजॉय द वीडियो। फाइनली आई गॉट रेडी एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैं कैसे लग रही थी। सो उधर जाके मैं और कुछ क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी बिकॉज आई वॉज प्रिटी शाई देयर। तो आई थॉट कि चलो घर जाके जो सभी स्किन केयर वगैरह होगा, मेकअप रिमूवल का पार्ट होगा, वही रिकॉर्ड करके मैं बस आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। सो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप यू गाइस लव्ड वॉचिंग माई वीडियो। मैंने बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाया, लाइक इट वॉज़ अ डे, होल डे थिंग एंड दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लॉट्स ऑफ लव एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।